इत्र नगरी कन्नौज के दीक्षित परिवार से मिलने पहुंचे कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, विपक्ष पर साधा निशाना और कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज में जाने माने इत्र व्यवसायी दीक्षित परिवार के आवास पर कानपुर सांसद ने पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पुराने संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही हाल में हुए लोकसभा चुनाव की करारी हार पर बोलते हुए कहा कि हार जीत तो होती रहती है और बताया कि इस मामले पर पार्टी का मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने षड्यंत्र रचकर जनता को गुमराह किया, परंतु अब जनता जान चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसके भी अधिक सीटों के आने का दावा किया। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से कानपुर जाते समय कानपुर सांसद रमेश अवस्थी अपने पुराने संबंधों के चलते और इन संबंधों को और मजबूत बनाने हेतु इत्र व्यवसायी दीक्षित परिवार के आवास पर पहुंचे। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी के आने की भनक मीडिया को लग गई और सवाल जवाब के लिए मीडिया मौके पर पहुंच गई। सांसद अवस्थी ने मीडिया के सामने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि झूठ, षड्यंत्र, छल और कपट के साथ जनता को गुमराह करके विपक्ष ने वोट हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, जनता को बेवकूफ बनाकर 8,500 रुपये प्रति माह खाते में खटाखट खटाखट डालने का झांसा देकर झूठ बोला। अब जनता उनका दरवाजा खटखटा रही है। उन्होंने जनता से विपक्ष के छलावे में न आने की अपील की और 2027 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान की अपेक्षा अधिक सीटें लाने का दावा किया। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश को सही बताते हुए मीडिया को बताया। जी क्या लग रहा है कि क्या उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी का एक रूटीन का काम, रूटीन में हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केशव मौर्य जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो समय समय पर अपनी राय देते हैं। वो जेपी नड्डा जी से मिले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, हमारे संगठन मंत्री भी जेपी नड्डा जी से मिलते हैं और तमाम हमारे और वरिष्ठ नेता भी समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय नड्डा जी से निरंतर हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। ये हमारा आपसी मैटर है, हम लोग आपसी मंथन करते रहते हैं किस तरीके से हम आगे की प्लानिंग करें। हम लोग प्लानिंग करने के लिए हमारे वरिष्ठ लोग समय समय प्रदेश स्तर के नेताओं से एक मुलाकात करते रहते हैं, तो इसका और कोई आशा ऐसा नहीं है। हम लोग आगे 2027 की तैयारी कर रहे हैं और भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने की अपनी रणनीति अपना रहे हैं। इसके लिए तरह तरह की ये मीटिंग चल रही है, हम आत्मंथन कर रहे हैं और हमें जानना चाहते हैं कि आखिर में हम इसको, ये लोग कैसे, क्या क्या इन्होंने षड्यंत्र रचे, वो धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। हम लोग अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार, इससे भी ज़्यादा अंक लेके सरकार बनाने जा रहा है। सर, योगी सरकार का एक आदेश आया है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर पहचान उजागर करने की बात की गई, खासकर उन मार्गों पर जहाँ से कांवड़ यात्री निकलेंगे, तो कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा निर्णय और इससे जो सुरक्षा है, जो कांवड़ियों की सुरक्षा है, वो निश्चित रूप से उसमें ये फायदा मिलेगा कि अब दूसरे जो अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के बहाने कुछ उपद्रव करना चाहते हैं, कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो सब पहले से चिन्हित रहेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय एक अच्छा निर्णय है, इसमें आपत्ति क्या है मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। संगठन है जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए कैसे? देखिए, वो जो संगठन जो विरोध कर रहे हैं, जो पार्टियां विरोध कर रहे हैं, आपको पता है कि पहले कांवड़ यात्रा जब आती तो क्या सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता था। आज कांवड़ यात्रा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से किस तरीके उसका शांतिपूर्ण संचालन होता है। बल में कांवड़ यात्रा और ही नहीं बल्कि प्रदेश में जितने भी त्यौहार होते हैं उनका आयोजन पूरी शांति से होता है और अक्सर जो बार बार जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, वो प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। अब इनको इस बात की बड़ी दिक्कत हो रही, ये शांति कैसे? तो ये सब लोग जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो अमन चैन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रदेश में अशांति हो और उसका वो फ़ायदा लें। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे, चाहे कांवड़ यात्रा हो या किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन, उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता और ये सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है और वो जरूर करेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, 100 आओ सरकार बनाओ, 100 आओ। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, कहना एक बार काट की हंडी एक बार चढ़ती है, आप लोगों ने कहावत सुनी है। तो अखिलेश यादव जी की या पीडीए की काट की हंडी एक बार चढ़ गई, अब वो भूल जाएं कि अब ये स्थिति दोबारा आएगी
और कांग्रेस जो 99 के चक्कर में फंस गई है ना, उन्हें लगता है 99 हमने क्या प्राप्त कर लिया कि पता नहीं कितनी बड़ी जीत कर ली, तो वो तो कांग्रेस तो 99 के चक्कर में पड़ी हुई है और अखिलेश अपने ख्याली पुलाव गिन रहे हैं कि हम अगली सरकार बनाएं। कहीं कुछ ऐसा नहीं, वो भी ये जान चुके हैं कि हमारा जो भी दांव था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, ये PDA गठबंधन के साथ साथ विदेशी यानी वैश्विक शक्तियाँ भी ये चाहती थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने। उसके लिए तमाम तरीके की फंडिंग हुई, तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए, तमाम दुष्प्रचार किए गए, तमाम चीज़ें की, लेकिन उसके बाद मैं पूरे कन्नौज नहीं बल्कि कानपुर और पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया और उन्हें तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाकर इन सबको करारा जवाब दिया गया। देखिए कन्नौज आने का मेरा एक प्रयोजन यह है कि मैं फर्रुखाबाद से वापस आ रहा था और वापस आते आते हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, करीब 35 साल पुराना है, राम जी हमारे श्याम भैया सब पूरा हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम फर्रुखाबाद से वापस जा रहे हैं तो अपने परिवार में ज़रूर कुछ क्षण बिताएँ, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करें, और वैसे कोई खास प्रयोजन नहीं था कि सिर्फ पारिवारिक माहौल में यहाँ मिलना था, और आपसे भी इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हुई। और हम ये चाहते हैं कि पारिवारिक रिश्ते के बीच में जैसे कि अभी अब चर्चा की और जो सोच रहे हैं, हम लोग जीत कोई भी गया हो लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि कन्नौज का विकास हो, और हम लोग कन्नौज के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भी कन्नौज के लिए हो सकेगा हम सब लोग मिलकर कन्नौज का विकास करेंगे। सर, एक सवाल है लोकसभा चुनाव के बाद कि पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि सोच रहे थे। वैसे में मंथन भी हुआ, रिपोर्ट भी एक सौंपी गई थी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, उस पर घमासान मचा हुआ, कह रहे हैं कि जो उनका फार्मूला था वो काम कर गया, PDA का फार्मूला था और संविधान की बातें। देखिए हम लोग जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है, चाहे मैं हूँ या विपक्ष, लोग मंथन करने का उनका अपना अधिकार होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हमारी आशा के विपरीत आए, लेकिन उसके पीछे कारण भी देखिए आप, किस तरह से विपक्ष ने झूठ छल षड्यंत्र कभी संविधान समाप्त हो जाएगा तमाम तरीके के झूठ बोलकर किस तरीके से वोटर्स को गुमराह किया, और वो वोटर कुछ क्षण के लिए गुमराह हो गया, और वो गुमराह होने के बाद वो इनके उसमें चला गया कि खटाखट 8,500 रुपये आएंगे। क्या आया? आज वही लोग उनके कार्यालयों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं, घर पे छिपे हुए हैं, कोई बाहर घूम रहा है, कोई बाहर छिप रहा है। तो ये सब क्या झूठ फरे बन के सिर्फ एक बार अब कर सकते हैं। और देखिए ऐसा झूठ प्रपंच और षड्यंत्र रच के तो रावण ने भी हमारी माँ सीता जी का हरण कर लिया था, लेकिन पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ, पूरी सोने की लंका जल गई। तो इन्होंने भी झूठ बोल के बोला, आगे इनका भी हश्र जो है बुरी तरह से आगे आने वाले चुनाव में हारेंगे, क्योंकि जनता जो थोड़े क्षण के लिए गुमराह हो गई, इनके भ्रमजाल में फंस गई, आज सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे आ रहे हैं। और आप देखें 2027 में हम इस बार से भी ज़्यादा सीट लाके सरकार बनाएंगे।